गाइस, 5 मिस्टेक न्यू यूट्यूबर नेवर डू। हाँ दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो ये 5 गलतियां आपके चैनल पे मत दोहराइए। तो वो कौन सा मिस्टेक है जो नए यूट्यूबर दोहराते हैं, वही मैं आज के इस वीडियो पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहना। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए आए हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए यूट्यूब ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे हमेशा लाता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। नो मोर फर्दर डिले, चलिए आप मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नए यूट्यूबर वो 5 गलतियां कौन सा करता है जिसके वजह से उन लोगों का चैनल जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होता है। तो दोस्तों, इस 5 पॉइंट का जो पहला पॉइंट है वो है डिफरेंट कैटेगरी में वीडियो बनाना। अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में वीडियो नहीं बनाते हो तो आपका चैनल का ग्रोथ स्लो हो जाएगा, वो चैनल जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होगा। आपको हमेशा एक कैटेगरी पकड़ के वीडियो बनाना है। आप जिस कैटेगरी में भी माहिर हो उसी कैटेगरी का चैनल आप यूट्यूब पे बनाओ और उस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालते जाओ। व्यू आए या ना आए, मगर एक टाइम आएगा जब आपका सब्सक्राइबर गेन होना शुरू होगा और उसके बाद व्यू भी आना शुरू होगा और उसके बाद आपके वीडियो पे वॉच टाइम भी आएगा, जिससे आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस है और चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद ये गलती किया है। जब मैंने इनिशियल डेज में चैनल स्टार्ट किया था तो मैं मिक्स कैटेगरी में वीडियो डालते रहा, जिससे मेरा जो सब्सक्राइबर है वो मिक्स कैटेगरी का बन गया। अब जब मैं एक कैटेगरी में वीडियो बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब ट्यूटोरियल से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो मेरे जो वीडियो है उनमें व्यू कम आते हैं, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी बना है वो दूसरे कैटेगरी का वीडियो देख के भी बना था। तो वो जो सब्सक्राइबर है उसका रिलेटेड वीडियो उन लोगों को मिल नहीं पाता, तो वो लोग मेरे वीडियो को क्लिक करके खोल के उस पे टाइम स्पेंड नहीं करता। तो इससे मेरा जो सब्सक्राइबर है वो मिक्स कैटेगरी के होने के वजह से वो सब्सक्राइबर जो मैं पहले दूसरे कैटेगरी को देख के हुआ था वो डेड हो चुका है। तो ये गलती आप लोग मत दोहराइए, नहीं तो आपका चैनल का ग्रोथ स्लो होगा। एक कैटेगरी में वीडियो डालोगे तो आपका जो सब्सक्राइबर है वो हमेशा आपके वीडियो देखेगा, उस पर वॉच टाइम आएगा और वीडियो वायरल होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे मिक्स कैटेगरी में वीडियो अपलोड नहीं करना है। तो इसीलिए आप लोगों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ ताकि आप एज ए न्यू यूट्यूबर ये गलती ना दोहराओ। दूसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में बहुत ही सारे कॉमा देके कीवर्ड लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट पे। कभी भी गलती से डिस्क्रिप्शन पे मल्टीपल कॉमा डाल के कीवर्ड मत डालना, टैग के जैसा आप लोग मत यूज़ करना कॉमा डाल के डिस्क्रिप्शन पे। अगर डालोगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपको पेनालाइज करेगा, आपका वीडियो प्रमोट होने के बजाय डिमोट हो जाता है। आपको टैग कहाँ पे डालना है, टैग सेक्शन में जहाँ पे कीवर्ड डाला जाता है वहाँ पर भी आपको रिलेटेड टू कंटेंट, मतलब आपके वीडियो से रिलेटेड टैग छोटा डालना है। मगर डिस्क्रिप्शन में गलती से भी आप लोग कॉमा देके कीवर्ड ऐड मत करना। अगर करोगे तो इसका पेनल्टी आपको मिलेगा, आपके वीडियो प्रमोट नहीं होगा यूट्यूब एनवायरमेंट में। ये मुझे एक्सपीरियंस के बाद मालूम पड़ा, मुझे खुद मालूम नहीं था, तो मैं खुद ये गलती दोहराता था। तो आज आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप भी मेरे ही जैसा एक नए यूट्यूबर हो तो आपको शुरुआत के दिन में पता चल जाए और आप ये गलतियाँ मत करो। तो दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है क्लिकबेट थंबनेल बनाना। मतलब कि आपके कंटेंट किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड है और आपने एक एंगेजमेंट बनाने के लिए आपके ऑडियंस को आपने कुछ क्लिकबेट थंबनेल बना दिया, दूसरे टॉपिक का थंबनेल डाल दिया। ये बहुत सारे जन एज ए न्यू यूट्यूबर करते हैं वीडियो पे व्यू ज़्यादा लाने के लिए। बहुत सारा ऐसा होता है, कंटेंट कुछ अलग है, थंबनेल कुछ अलग है। ऐसा कभी भी मत करना अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, क्योंकि नए यूट्यूबर जब होते हैं तब उनको सिर्फ एक ही दिमाग में आता है, वीडियो पे कैसे ज़्यादा व्यू लाओ, चैनल पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो, वो भी जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी चक्कर में हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, थंबनेल क्लिकबेट बना देते हैं। तो अगर आप अभी भी ये कर रहे हो तो आज से ये बंद कर दो दोस्तों। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस को ये पसंद नहीं आता। ऑडियंस आपके वीडियो पे व्यू तो कर देगा मगर टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वॉच टाइम आपके वीडियो पे नहीं आएगा, तो वीडियो जो है वो डेड हो जाएगा और उस वीडियो पे व्यू आना बिल्कुल भी
नहीं होगा, वो पूरा पूरा डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा व्यू आना, क्योंकि वॉच टाइम नहीं मिलेगा। क्लिक तो कर लेगा मगर उस जो चीज़ वो लोग सोच के आए थे वो आपके वीडियो पे नहीं है, तो वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आएगा। आप वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंटेंट से रिलेटेड थंबनेल ही अपलोड करना, क्लिक बेट मत करना दोस्तों। और चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोग जो वीडियो पे कोई भी पार्ट किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट से कॉपी करके डालते हैं, या फिर कोई भी मूवी का गाना या कुछ भी हम लोग हमारे कंटेंट में डालते हैं, वो आप लोग यूज़ करना एज ए न्यू यूट्यूबर बंद कर दीजिए। जब मैंने पहले पहले वीडियो बनाना शुरू किया था, मुझे भी ये सब कॉपीराइट जो गाइडलाइन होता है यूट्यूब का, कॉपीराइट स्ट्राइक, ये सब के बारे में मालूम नहीं था। ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर यह सब से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो दूसरा वीडियो आप मेरे YouTube प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, तो आपको बहुत सारा नॉलेज उससे भी मिलेगा। तो कॉपीराइट कंटेंट आप लोग मत डालना, उसका मतलब यही होता है कि दूसरे का कोई कंटेंट या कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक, ये कुछ भी आपके वीडियो पे मत डालना। पूरा यूनिक बनाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको लोग देखने के लिए आ रहा है, आप जो नॉलेज शेयर कर रहे हो उसको देखने के लिए आ रहा है। तो कॉपीराइट कंटेंट मत यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि आप एक ब्लॉगर हो, ब्लॉग चैनल रन कर रहे हो, म्यूज़िक चाहिए बैकग्राउंड में, तो यूट्यूब का जो म्यूज़िक है ऑलरेडी एडिटर में उसको यूज़ करो, तो कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस केसेस में। अगर आप लोग दूसरे कैटेगरी में वीडियो बनाते हो जहाँ पे आपको म्यूज़िक की बैकग्राउंड में ज़रूरत नहीं है, तो यूज़ मत करो दोस्तों। आपको लोग देखने आता है आपके म्यूज़िक बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। तो ये आप लोग ध्यान में रखो, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो उसके ऊपर भी आप लोग काम करो, नहीं तो आपका मोनेटाइजेशन जैसे जैसे आपका 1000 सब्सक्राइबर फुलफिल हो जाएगा और 4000 आवर का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तो आपके जब मोनेटाइजेशन पे डालोगे, अगर आपका कॉपीराइट कंटेंट रहा तो यूट्यूब जो है आपका वीडियो को कभी भी वो मोनेटाइज ऑन नहीं करेगा आपके वीडियो के लिए। तो इसको भी आपको ध्यान पे रख के काम करना है दोस्तों। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट में बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पहले मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा है बहुत दिन YouTube पे काम करने के बाद, वो है नेवर यूज कोई भी ऑटो लाइक, ऑटो फॉलो, ऑटो सब्सक्राइबर, ऐसा कोई भी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मत डालो। मान लो कि आप एक टेक चैनल रन कर रहे हो, आप कभी भी ऑटो फॉलोअर कैसे जनरेट होता है, ऑटो लाइक कैसे जनरेट होता है, ऑटो सब्सक्राइबर कैसे जनरेट होता है, उसके ऊपर वीडियो मत बनाओ। ये सब फालतू वीडियो होता है, ये सब वीडियो बनाओगे और उसका लिंक अगर आपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाले, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको लगेगा कि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है वीडियो, तो पहले आपके वीडियो को डिलीट कर देगा, नहीं तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आएगा, नहीं तो आपके चैनल को परमानेंटली भी डिलीट कर सकता है यूट्यूब। तो ये सब चीज़ आप लोग मत करो। और एक प्रो टिप है जो मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो तब जब भी आप लोग टाइटल लिखते हो उसको पूरा पूरा कैप्स में मत लिखना, आप लोग स्मॉल लेटर में लिखना, कैची बनाना, मगर पूरा आप लोग कैप्स कैपिटल लेटर में मत लिखना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को वो पसंद नहीं है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो इससे आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सर्च इंजिन में आपको आगे जाना है, क्योंकि आपके वीडियो को डिस्कवर करना है ऑडियंस द्वारा, तो आपको सर्च इंजिन में अव्वल जाना है, तो इसीलिए आप लोग ये भी मत यूज़ करना दोस्तों। तो ये कुछ मुझे बताना था, आशा करता हूँ नए यूट्यूबर के लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका वीडियो पे एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, और ऐसे ही मुझसे जुड़ते रहना। अगर आपका कोई भी सुझाव है या कोई भी डाउट है यूट्यूब से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग अच्छे अच्छे काम करो, मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।